आजादी के अमृत महोत्सव लेकर संत जोसेफ विद्यालय के बच्चों में उत्साह देखने को मिला। बांका में संत जोसेफ विद्यालय के बच्चों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के अमृत महोत्सव पर्व को मनाया। वहीं आज बच्चों के साथ साथ बांका मंडल कारा के अधीक्षक श्री सुजीत कुमार राय साथ ने फादर बरविंद तथा विद्यालय के शिक्षक गण ने भाग लिया। आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो अलग अलग पढ़ाई का नारा जो दिया गया, क्या ये प्रशासन की तरफ से कोई दबाव है या किसी तरह से बनाया? आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी का है और लोग खुशी से इस चीज़ को प्रशासन भी अपना पूरा 100% देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा हुआ है। पहली बार ये बच्चे इस तरह के कार्यक्रम में सड़क पर, तो ये हम लोगों के लिए, इसके लिए फादर रेवरेंस और पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। तो सर ऐसा तो लगता होगा कि जैसे कि फर्स्ट और बच्चे रोड पे आ रहे हैं, तो बच्चे में भी एक उमंग होगा, प्लस ये सरकार की जो घोषणा की घर घर झंडे को फहराइए, और इससे सरकार को भी लगेगा कि नहीं हमने जो भी घोषणा की उससे लोग हम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है? राष्ट्र हम सभी का है और बिना राष्ट्र के हमारा अस्तित्व है नहीं। तो ये एक भाव जो है बच्चे बच्चे में जाए कि राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र का झंडा हमारी शान है, इसी भाव के साथ हम लोग ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये अपार हर्ष की बात है। चलिए अब हम चलते हैं और स्कूल के फादर से पूछते हैं कि क्या ये तो हमारे स्टेट के हैं, इन्हें अदर स्टेट से हैं, फिर भी इन्हें कैसा अनुभव हो रहा है? ये इंडियन, ये खुद इंडियन ही हैं लेकिन अदर स्टेट में आए हुए हैं, तो इन्हें कैसा महसूस हो रहा है बांका में और बांका के लोगों के बीच? यहाँ रह के बहुत खुशी महसूस हो रहे हैं और बहुत अच्छे हैं सब के, बांका के सभी युवाओं से बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो आज हम लोग अमृत महोत्सव मनाने के समय में हम लोगों को भी, हम लोग को देश के प्रति अपने प्रेम को दिखाने का एक अवसर हम लोग को मिला, ये गौरव की बात। तो ऐसा तो लगता है ना सर कि जैसे कि ये तिरंगा लेकर के रोड पर